पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में आखिर में शानदार जीत दर्ज की लखनऊ सुपर जायंट्स ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में अंत में यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में रनों की बरसात होती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर शिखर धवन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और काइल मायर्स पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पारी की पहली गेंद पर केएल राहुल का कैच अथर्व तायड़े ने छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हर्षदीप सिंह के शानदार चौका लगाकर बेहतरीन आगाज किया काइल मायर्स ने अपनी पारी का। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। यह भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट निकला था। जबकि दोस्तों, ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्ट्रेट शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की समाप्ति भी बेहतरीन चौके के साथ की और चार चौके इस ओवर में लगाए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर फ्लिक शॉट खेला, बेहतरीन चौका गुरनूर की गेंद पर लगाया केएल राहुल ने भी। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में पहला छक्का देखने को मिला पारी का, जब तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर गुरनूर बरार की गेंद को बेहतरीन छक्के के लिए भेजा काइल मायर्स ने और टीम के लिए छक्कों का आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर एक और शानदार चौका काइल मायर्स के बल्ले से देखने को मिला और इस बार मिड विकेट के बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर डालने आए रबाडा की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने कमाल का छक्का लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों, इसकी अगली गेंद पर वो कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और शाहरुख खान ने बेहतरीन कैच किया और पेवलियन भेजा केएल राहुल को। इस मुकाबले में 9 गेंदों पर केएल राहुल ने 12 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद आयुष बोदोनी आए तो उन्होंने कंगेश्वर अबाड़ा की पांचवी गेंद पर शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया और बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, पांचवा ओवर डालने आए सिकंदर राजा की दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला मायर्स के बल्ले से। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, यह भी कमाल का शॉट था। जबकि दोस्तों, काइल मायर्स ने इस ओवर में पूरी शानदार बल्लेबाजी करने का जिम्मा उठाया था तो पांचवी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार तो उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा। वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली काइल मायर्स ने। 50 के लिए इन्होंने मात्र 20 गेंदों का ही सामना किया। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका काइल मायर्स ने लगाया कंगेश्वर रबाडा की गेंद पर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर कंगेश्वर रबाडा ने पेवलियन भेजा काइल मायर्स को। काइल मायर्स 24 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके बाद आयुष बोदोनी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए राहुल चहर के ओवर में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आठवा ओवर एक बार फिर गुरनूर बरार डालने आए तो उनकी दूसरी ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्कुस टोइनिस ने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी मार्कुस टोइनिस के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष बोदोनी ने भी शानदार छक्का लगाया और 8 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुँचा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। जबकि इसके बाद 10वां ओवर डालने आए सैम करन की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका देखने को मिला मार्कुस टोइनिस के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर में आयुष बोदोनी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का जड़ा। यह 61 मीटर का शानदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, 11वां ओवर डालने आए राहुल चहर की चौथी गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया इस बार मार्कुस टोइनिस ने। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए मार्कुस टोइनिस ने बेहतरीन छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा सैम करन की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद कमाल की
बल्लेबाजी जारी रही स्टोइनिस की 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। हालांकि इस बार लियोंग स्टोन ने कैच जरूर कर लिया था, लेकिन वो बाउंड्री राव को टच कर गए और मार्कुस स्टोइनिस को एक जीवनदान मिला और शानदार छक्का भी। इसके बाद आयुष बदोनी ने लिविंगस्टोन की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदोनी को पेवेलियन भेजा लिविंगस्टोन ने। एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आयुष बदोनी, लेकिन इस बार राहुल चहर को वो अपना केस थमा बैठे और लिविंगस्टोन ने उन्हें पेवेलियन भेजा। शानदार 24 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे तो पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लिविंगस्टोन के ओवर की बची हुई 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके लगाए और तीनों चौके उन्होंने कमाल की पारी खेलते हुए ओवर कवर शॉट खेलते हुए लगाए और कमाल का शुरुआत कर दी अपनी बेहतरीन पारी का। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्कुस स्टोइनिस ने भी 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 31 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पारी खेली मार्कुस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का कंगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ा। ये भी एक कमाल का शॉट था जो उनके बल्ले से निकला। तो इसके बाद 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। मार्कुस स्टोइनिस का कमाल की बल्लेबाजी जारी रही। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद निकोलस पूरन ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा और दोनों बल्लेबाज अब इस IPL के हाईएस्ट स्कोर के पार करा चुके थे सुपर जायंट्स की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मार्कुस स्टोइनिस, लेकिन वो सैम करन का शिकार बने। उनका बेहतरीन कैच जितेश शर्मा ने पकड़ा और सैम करन ने उनका विकेट लिया। 40 गेंदों पर शानदार 72 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे मार्कुस स्टोइनिस। मार्कुस स्टोइनिस के आउट होने के बाद यहां पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन के रूप में भी एक और विकेट मिला यहां पर पंजाब किंग्स को। निकोलस पूरन भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी आउट हुए। इसके बाद कुणाल पांड्या ने एक चौका जरूर लगाया, जिसके चलते यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। वहीं पर इस 258 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से शिखर धवन और प्रभ सिमरन सिंह। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की 5वीं ही गेंद पर पहला चटका पंजाब किंग्स को कप्तान शिखर धवन के रूप में लगा। शिखर धवन इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाए और मार्कुस स्टोइनिस का शिकार बने। स्टोइनिस ने पहले बल्ले और उसके बाद गेंद से भी कमाल करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कायल मायर्स की गेंद पर बेहतरीन चौका प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से देखने को मिला। उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखा और डाउन लेग के तरफ उन्होंने चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मार्कुस स्टोइनिस की गेंद को अथर्व ताइडे ने बाउंड्री लाइन के पार मैक्सिमम के लिए भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका अथर्व ताइडे के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया, ये भी कमाल का शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर नवीन उलक की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रभ सिमरन सिंह ने, लेकिन इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनका कैच डेनियल सैम्स ने पकड़ा और नवीन उलक ने उन्हें पेवेलियन भेजा। 13 गेंदों पर 9 रन ही बना पाए। इसके बाद अथर्व ताइडे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 6ठा ओवर डालने आए आवेश खान के ओवर की दूसरी 5वीं व आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी ताइडे की रही। तो वहीं पर इसके बाद सिकंदर राजा ने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। उन्होंने स्टेट बाउंड्री की तरफ 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर दोस्तों 9वें ओवर में यहां पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका अथर्व ताइडे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
इसके बाद दोस्तों सिकंदर रजा की शानदार बल्लेबाजी जारी रही, जब उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कुणाल पांड्या ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और 22 गेंदों पर 36 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद अथर्व ताइडे ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका अपर कट के जरिए लगाया, एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका यश ठाकुर की 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, रवि बिश्नोई की ये गेंद थी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अथर्व ताइडे एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और 36 गेंदों पर 67 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेम करण ने अपनी पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ खाता खोला। उन्होंने कुणाल पांड्या की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के बेहतरीन छक्का लियाम लिविंगस्टोन के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में वापसी करवाई एक बार फिर रवि बिश्नोई ने और लिविंगस्टोन को LBW आउट करके पेवेलियन भेजा। वो 14 गेंदों पर 23 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार छक्के के साथ खाता खोला। उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद सेम करण के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए नवीन उलक ने उन्हें पेवेलियन भेजा। वो 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद जितेश शर्मा ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने शानदार छक्का जड़ा यश ठाकुर की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसके बाद वो भी ओवर की 5वीं गेंद पर KL राहुल को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल चेहर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तो वहीं पर इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए नवीन उलक ने रबाडा को बोल्ट करके पेवेलियन भेजा। रबाडा के आउट होने के बाद यहां पर शाहरुख खान से एक आध छक्के की उम्मीद जरूर होगी पंजाब को, लेकिन उनको भी यश ठाकुर ने आउट कर दिया और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार 56 रनों से जीत दर्ज की। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में कुल 458 रन बने, लेकिन दोस्तों अंत में शानदार जीत यहां पर लखनऊ को मिली। तो लखनऊ की जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।